मेरी नगमा रहमान, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, अनार व्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल कैसे है अंदर से। ओके, तो चलो हॉस्टल देखते हैं। मैं अपने रूम से निकल चुकी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी अभी हॉस्टल कैसा है। सो गाइज, मैं फाइनली अपने गर्ल्स हॉस्टल के मेन गेट पे पहुंच चुकी हूँ, तो मैं आपको अभी अंदर का व्यू दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारा मेन गेट है, अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। Oh no! आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। और गाइस, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे है वर्किंग वुमेन्स का घर, क्वार्टर्स है। और यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर जी का घर है, जिनका नाम है प्रोफेसर मुकेश पांडे। सो गाइस, सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा पीजी गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें पीजी के स्टूडेंट्स रहते हैं सिर्फ। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। ये हमारा पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, इसके अंदर जा नहीं सकती मैं अभी, तो बाहर का ही दिखाऊंगी। यहाँ पर आंटी ड्यूटी दे रही हैं फॉर गर्ल सेफ्टी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपना सेकंड हॉस्टल। यहाँ पे टोटल पूरे 4 हॉस्टल्स हैं गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें अभी फर्स्ट था पीजी गर्ल्स हॉस्टल, अभी आएगा झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल जिसमें मैं रहती हूँ। तो चलो देखते हैं झलकारी। सो गाइज, ये झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल का गेट है। यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, तो अच्छा है सेफ्टी के लिए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, ये गार्ड रूम है जहाँ पे आंटी लोग ड्यूटी देती हैं। गाइज, ये हमारा झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल है, ये नीचे का फ्लोर है, यहाँ पे असेंबली होती है हमारी। और मैं आपको अभी ऊपर दिखाती हूँ। यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर है। यहाँ पे सारे फ्लोर पे एक एक डॉर्मेंट्री है, जहाँ पर अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं, और जैसे ही रूम खाली होते हैं तब उन्हें रूम अलॉट होते हैं। ठीक है। सो गाइस, ये है मेरा हॉस्टल झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल। गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किमासन का मंदिर, इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी और आपको हिस्ट्री बताऊंगी किमासन का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये रहा मेरे हॉस्टल से दिखता है यहाँ से किमासन का मंदिर। चलो गाइस, हमने अंदर से देख लिया झलकारी, आप बाहर से देखते हैं। और बाकी के भी और 2 गर्ल्स हॉस्टल है जिसका नाम है समता और ओबीसी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलो हम चलते हैं। ये हमारे मेस का एरिया है। सो गाइस, ये आ चुका है हमारा समता गर्ल्स हॉस्टल। समता देख लिया और अब मैं लास्ट जा रही हूँ ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल दिखाने। यहाँ पे एक गर्ल्स के लिए ओपन जिम भी है, जिसमें आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से सारे डॉग्स सो रखे हैं। ये रहा ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल।
और झलकारी बड़े हैं और ओबीसी बहुत छोटा है, बहुत भी नहीं मतलब नॉर्मल है। ये मैट्रिन मैम का ऑफिस है ओबीसी का, अब हम वापस चलते हैं। हम वापस जा रहे हैं गाइस, मैं अभी अपने वापस रूम में जा रही हूँ और गर्मी बहुत है तो ज़्यादा देर बाहर रहने भी अच्छा नहीं होता यार, क्योंकि टैंग हो जाती है पूरी स्किन तुम्हारी, ठीक है, तो इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। गाइस मैं अपने रूम पे पहुँच चुकी हूँ, आपको मेरा कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए था जो सर्च करके आती हैं कि कैसा हॉस्टल होगा। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि उनके बच्चे कैसे रहेंगे, एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत अच्छा हॉस्टल है, आइए आप इंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़े लिखे, बस यही काम है हमारा। और तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। Missing someone.